नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 24 पे। जी हाँ दोस्तों, पटना हाई कोर्ट की ओर से एक नई भर्ती सूचना आई है जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर और एस्ट्रोनोग्राफर की भर्ती की जाएगी, जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो एस्ट्रोनोग्राफर के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो देखेंगे पूरी डिटेल, सैलरी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम में क्या कैसे क्या होगा, और एज डिटेल क्या है, कब से ऑनलाइन होगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाई गई है। तो देखते हैं क्या क्या डिटेल आई है। पूरी डिटेल के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। पूरी जानकारी के लिए दोस्तों आपको गूगल में सर्च करना है रोजगार बिहार, तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। देख सकिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको सर्च करना है रोजगार बिहार, तो आपको वेबसाइट प्राप्त हो जाएगी। चलिए मैं यहाँ पे इस पे सर्च कर लेता हूँ। जैसे ही आप सर्च करेंगे, सबसे पहला वेबसाइट आपको रोजगार बिहार ही मिलेगा। देख पा रहे होंगे rozgarbihar.com, बस इसी को आपको खोल लेना है। चलिए यहाँ पे इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी दिखाई देने लगेगी। देख सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट खुल चुकी है। आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा रोजगार बिहार, तो आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे नीचे आते हैं दोस्तों, तो आपको रोजगार बिहार के सेक्शन में दिखेगा, ऑनलाइन फॉर्म सेक्शन में भी मिल जाएगी, बिहार जॉब सेक्शन में भी आपको ये मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे बिहार पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर एंड एस्ट्रोनोग्राफर रिक्वायरमेंट 2022, इसी पे आपको क्लिक कर लेनी है। पूरी डिटेल के लिए इसे क्लोज करते हैं। अब देखिए पूरी डिटेल जो है आपके सामने आ जाएगी। पटना हाई कोर्ट की ओर से ये निकाली गई शॉर्ट नोटिफिकेशन है। आप देख पा रहे होंगे पटना हाई कोर्ट इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट एंड एस्ट्रोनोग्राफर। टोटल पोस्ट की बात करें दोस्तों तो 159 सीटें दिखाई गई हैं, और हो सकता है इसमें बदलाव होने की संभावना है। वहीं बात करें ऑनलाइन कब से शुरू होगी, तो ऑनलाइन जो है आपके इसी महीने मार्च के दूसरे सप्ताह में ये शुरू हो जाएगा। और ऑनलाइन लास्ट डेट कब आएगी, ये जब ऑनलाइन शुरू हो जाएगी तो आपको लास्ट डेट का भी यहाँ पे पता चल जाएगा। तो rozgarbihar.com को रेगुलर चेक करते रहें। और बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस की जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है, यानी नोटिफिकेशन में अभी भी नहीं दी गई है, लेकिन एप्लीकेशन फ़ीस कुछ ना कुछ तो लगने वाला है, ठीक है। बात करें यहाँ पे, अब देखिए एज क्वालिफिकेशंस की, तो 1/1/2022 को आपकी उम्र जो है कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और अधिकतम 37 साल तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो एज में छूट मिलती है वो बिहार गवर्नमेंट रूल की ओर से लागू होगा। और ये बात करें पोस्ट के अनुसार सीटों की संख्या, तो देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट एस्ट्रोनोग्राफर ग्रुप सी के लिए यहाँ पे 129 सीटें हैं, और इसमें 12वीं पास इंटर पास किसी भी बोर्ड से हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट के लोग भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट की, तो इसमें 30 सीटें हैं, और इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है, यानी ग्रेजुएशन है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा सैलरी की बात करें दोस्तों, तो सैलरी भी आपको दिखाई गई है। देख पा रहे होंगे 25,500 से 81,100 रुपये तक की सैलरी मिलेगी, और इसके साथ साथ जो TA DA वगैरह होता है अलग अलाउंस, वो सारे के सारे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो परमानेंट जॉब है। अब यहाँ पे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो स्टेनोग्राफर के लिए भी आपका CBT एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एग्जामिनेशन ली जाएगी, उसके साथ साथ आपको टाइपिंग टेस्ट भी देनी होगी जो कि आपके कंप्यूटर पर आयोजित की जाएगी। और स्पीड जो होगी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट की, वो 40 वर्ड पर मिनट कम से कम ये आपका स्पीड होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो इसमें भी CBT एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी, और कंप्यूटर टेस्ट भी लिया जाएगा, और प्लस आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। यही बात करें अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए लिंक अभी एक्टिव नहीं हुई है, जब एक्टिव होगी तो आप यहां से ऑनलाइन भी कर पाएंगे। वहीं ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये डाउनलोड हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ओपन हो चुका है। ये देखिए ये आपका नोटिफिकेशन है, अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। जो भी डिटेल इसमें दी गई थी वही चीज़ें आपको rozgarbihar.com पे सिंपली लैंग्वेज में उपलब्ध करवा दिया गया है।
तो ये थी जानकारी पटना हाई कोर्ट की वैकेंसी की ओर से। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले आगे की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।